गाइज वेलकम बैक अनदर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं जाने वाले है हिंगोली। आप लोगों को गणेश विसर्जन का पूरा दोस्तों वीडियोस दिखाने वाला हूँ। पूरा दोस्तों हमारे हिंगोली का किस तरह से माहौल होता है वो दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ ब्लॉग के साथ लास्ट तक बने रहिए। अभी मैं हूँ हाईवे के ऊपर कलम नूरी से डायरेक्टली हिंगोली जा रहा हूँ दोस्तों। NH 161 पे हूँ। तो आपको जाकर दिखाऊंगा मैं किस तरह से आज का एक्साइटमेंट होता है दोस्तों, खुशी होती है लोगों के मन में, किस तरह से एंजॉय करते हैं इस फेस्टिवल को। तो वो पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिए चैनल के साथ में, वीडियो के साथ में। दोस्तों वीडियो को पहली बार देख रहे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं डायरेक्टली कयाधो नदी के तट पर, चलो दोस्तों। और एक बात दोस्तों, मैं अभी हिंगोली जाकर लूँगा मेरे दोस्त को साथ में, और दोस्त को दोस्तों साथ में लेके फिर जाएंगे कयाधो नदी के तट पे, और वहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाएंगे दोस्तों, वहाँ का किस तरह से नज़ारा होता है, वहाँ पे किस तरह से लोगों की भीड़ है और किस तरह से दोस्तों हमारे इधर का गणेश विसर्जन होता है। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो के साथ में, चलिएगा। हिंगोली को अभी हिंगोली पहुंच चुका हूं। अभी जा रहा हूं मैं डायरेक्ट कयाधो नदी के तट के ऊपर दोस्तों, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, देख सकते हैं हिंगोली का ये ब्रिज है, क्रॉस कर रहा हूं और हिंगोली उस तक। सो गाइस देख लो घोड़ी को, बहुत ही सुंदर दोस्तों सजाया जा रहा है, देख लो। अभी उसके ऊपर मुझे लगता है ये गणपति के सामने दोस्तों रहेगा ये घोड़ा, ठीक है। मे भी ऐसा ही होगा कुछ, इसलिए सजाया जा रहा है उसको, देख लो। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ भाई का, हमारे दोस्त आने वाले हैं तो उन्होंने यहाँ पे रुकने के लिए बोला इस चौक के ऊपर। और यहाँ से बिल्कुल नज़दीक में है दोस्तों, यहाँ से कोई दूर नहीं है, देख सकते हो। यह औंडा रोड है, यहाँ पर देख लो इस तरह से माहौल है। अभी हमें जाना है, एक तो उस साइड जाएँगे नहीं तो फिर उस साइड जाएँगे, ठीक है। दोनों में किसी भी साइड जा सकते हैं और दोनों तरफ से दिखेगा प्लेस, तो दोनों भी दिखा देंगे, ठीक है। अभी मैं आ चुका हूँ कयाधो नदी के तट पे दोस्तों, और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का बहुत ही सुंदर दोस्तों मंदिर बना हुआ है, देख सकते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था दोस्तों पहले भी ब्लॉग के अंदर, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लेना, जो कि कांवड़ यात्रा का जो बनाया था दोस्तों, तो वो वाला, उसमें ये सारा चीज़ मैंने दिखाया हुआ है ये मंदिर का, देख सकते हैं। यही वाला है श्री भोलेनाथ का टेम्पल दोस्तों, ठीक है। तो अभी जो विसर्जन हो रहा है गणपति का उस साइड हो रहा है, बट यहाँ पे ला रहे सबसे ज़्यादा लोग, तो मैं अभी जाऊँगा उस साइड का आपको दिखाएंगे व्यू। तो लास्ट तक बने रहिएगा ब्लॉग के साथ में, ठीक है। चलिए दोस्तों देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पे सजाया हुआ है, बहुत ही सुंदर दोस्तों, देख गाइस। उस दिन मैंने आपको अंदर का व्यू नहीं दिखाया था इस भोलेनाथ का दोस्तों, यहाँ पर जो ओम कयाधो अमृतधारा जो महादेव टेम्पल बना हुआ है दोस्तों, इसका मैंने आपको नहीं दिखाया था। आज दिखाएंगे, आज ज़्यादा भीड़ नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। भीड़ उस साइड में है जहाँ पे गणपति विसर्जन हो रहा है, चलो। जय हो भोलेनाथ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है भोलेनाथ जी का बहुत ही सुंदर दोस्तों ये टेम्पल बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ये जस्ट कयाधो नदी के पास में ही है दोस्तों, देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों कांवड़ यात्रा आती है, और यहाँ पर इसी यहाँ पर जस्ट दोस्तों इस मंदिर के दोस्तों पीछे में ही दोस्तों यहाँ पे गणपति विसर्जन हो रहा है, यहाँ पे कयाधो नदी बस बहती है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए उस साइड में चलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ कभी हुए देख लो गाइस, मंदिर के बिल्कुल सामने ही दोस्तों यहाँ पे इस तरह से भी हुए, देख लो आप। उस दिन मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है दोस्तों व्लॉग के साथ में कांवड़ यात्रा वाला, तो आप लोग वो देख लो, ठीक है। सामने बिल्कुल बजरंग बली का है, वहाँ पर मूर्ति रखा हुआ, यहाँ का इस साइड का इस तरह से भी हुए, ठीक है। अभी जाएंगे मेन जो आपको दिखाना आज की डेट में, तो वो दिखाएंगे आपको पहले, सबसे पहले तो चलो उस साइड। बहुत ज़्यादा भीड़, मतलब उस साइड में बहुत ज़्यादा दोस्तों, अभी बहुत सारे लोगों ने लेकर दोस्तों विसर्जन भी कर दिया, बट कुछ लोगों का इस तरह से भी देख लो, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से देख लो, लोग गाड़ियाँ भर भर के दोस्तों गणपति को ला रहे हैं, और कुछ लोग पैर से दोस्तों पैरों से चल कर आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं दोस्तों, और इस तरह से हाथ में ला रहे हैं, देख लो, ठीक है। देख लो गणपति बाप्पा, सो उधर है दोस्तों उस साइड में है वो कयाधो रिवर, तो उस साइड में चलेंगे।
सो गाइस ये है कयाधु रिवर यहाँ की, और यहाँ पे ही होता है दोस्तों विसर्जन, गणपति विसर्जित कर रहे हैं लोगों, देख सकते हैं पूरा गांव का दोस्तों। कोई मतलब बाइक से ला रहे हैं, कोई ऐसे ऑटो करके, कोई जिप्सी, कोई ट्रैक्टर, मतलब लोग अलग अलग तरीके के साधन के साथ यहाँ पे ला रहे हैं गणपति को और विसर्जित कर दे रहे दोस्तों। देख लो देख लो गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, दोस्तों स्लोगन चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। और ये है नज़ारा यहाँ का, देख सकते हो इस तरह से बना हुआ, देख लो पूरा दोस्तों ये विसर्जित। और यही है दोस्तों कयाधु रिवर, और उस साइड में मैंने आपको दिखाया था का अपना, गाइस देख लो नज़ारा, देख लो यहाँ पे विसर्जन का। गाइस लोग ना गणेश को जो विसर्जित करने आ रहे हैं वो लोग नहा भी रहे, देख लो बच्चे वगैरह दोस्तों बहुत सारे लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, पूरी फैमिली दोस्तों अपने अपने घर के लेके आ रहे हैं गणेश जी को और यहाँ पे विसर्जित कर रहे हैं। देख लो वो, देख लो दोस्तों वहाँ पे लोग नहा रहे हैं, बच्चे नहा रहे दोस्तों, है ना, उस साइड में देख लो आरती वगैरह अभी भी देख लो दोस्तों। और वो पुल दोस्तों जो औंढा रोड जाता है ना, वो वाला रास्ता है, ठीक है, देख लो दोस्तों लोग आते ही रह रहे, आते ही कंटिन्यू, घर के छोटे छोटे दोस्तों गणेश जी माँ गणेश जी को ला कर विसर्जित कर रहे हैं, और बड़े बड़े दोस्तों आएंगे अभी शाम को, बहुत बड़ा नाइट में बहुत बड़ा हल्ला होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि देख लो इस तरह से होती है पूजा वगैरह। उस साइड में भी देखो लोग बहुत सारे नहा रहे पानी में जाकर। और दोस्तों वो है अपना खाकी बाबा वाला प्लेस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ब्लॉग बनाया हुआ हूँ, दो दिन पहले ही दोस्तों खाकी बाबा का डाला हूँ, तो वो लोग जाकर देख सकते हो आप लोग, ठीक है, तो वो मंदिर है खाकी बाबा का। और ये है रिवर कयाधु रिवर दोस्तों, हिंगोली स्थित कयाधु रिवर। गाइस खाली यहाँ पे दोस्तों नहीं, बहुत मतलब हिंगोली के अलग अलग जगहों में दोस्तों इस तरह से माहौल आपको देखने को मिलेगा, और आप लोगों की तरफ भी मतलब आपके शहर में भी ऐसा ही माहौल होगा और इससे कुछ बढ़िया भी होगा। पर ये हमारा शहर छोटा है हिंगोली, और ये खाली दोस्तों इसी जगह नहीं, अभी ये कयाधु नदी यहाँ से ना दोस्तों उस साइड से आ रहा है, ठीक है ना, रमना जो मैंने महादेव का आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाया था वहाँ से, उस ब्लॉक के अंदर भी दोस्तों नदी वहाँ मतलब उस मंदिर के साइड में भी रास्ता है, वहाँ पे भी लोगों का विसर्जन हो रहा है। और मैंने कल आपको, कल के ब्लॉग में अगर आप लोगों ने देखा नहीं होगा, श्री गजानन महाराज सॉरी गोपाल लाला मंदिर का ब्लॉग, जो उस साइड में भी दोस्तों छोटा सा तालाब बना हुआ है जलेश्वर मंदिर का, तो उसमें भी दोस्तों पानी है और वहाँ पर भी दोस्तों लोग विसर्जित करते हैं, ठीक है ना, तो वो वहाँ पर भी दोस्तों मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह पर। और हिंगोली में मैंने अंदर में कुछ लोगों को ऐसा भी देखा जो कि पर्सनली कुछ लोगों ने मिलकर नगर परिषद में एक ऐसा गणेश विसर्जन कुंड दोस्तों लोगों ने नगर परिषद ने मिलकर बनाया हुआ है, तो उस साइड में भी है, ठीक है ना, तो ये है यहाँ का विसर्जन, गणेश विसर्जन हिंगोली का। तो किस तरह से लग रहा है, कैसा है, आप लोगों को बताओ थोड़ा सा। और अगर दोस्तों आप लोगों को हिंगोली का ये जो विसर्जन अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और ये यहाँ का व्यू है देख लो इस तरह से, बिल्कुल कयाधु रिवर के दोस्तों तट पर लोग विसर्जित करने के लिए आते हैं हिंगोली में, ठीक है, तो ये यहाँ पे इस साइड में भी देख लो पूरा दोस्तों माहौल बना हुआ है, लोग वहाँ से ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से, है ना, ये है व्यू यहाँ का, देख लो दोस्तों डुबकियाँ वगैरह लगा रहे, आप लोगों ने भी लगाई होगी, हम लोग भी लगाते थे। सो गाइस कैसा लग रहा है यहाँ का विसर्जन हिंगोली का, ज़रूर बताएं कमेंट में। और अभी मैं आपको अंदर का व्यू दिखाएंगे सिटी का अंदर का, तो सिटी के अंदर चलते हैं अभी, चलो ठीक है, यहाँ का बस हुआ नदी का, अभी सिटी का अंदर का दिखेंगे पूरा व्यू। गाइस यहाँ पे आरती भी हो रहा है, देख लो आप, कल की जगह पे जो आपने ब्लॉग अगर देखा होगा तो कल मैंने बताया था दोस्तों इस जगह पे विसर्जन होता है, तो देख लो ये ही जगह है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है, और उधर देख लीजिए कितना सुंदर विसर्जन हो रहा है अंदर में पानी के अंदर, देख लो, और देख लो दोस्तों ये नाव से लेके गए ऐसा बनाया है कुछ, और वहाँ पर जाकर अंदर में जाकर दोस्तों विसर्जित कर, देख लो आप।
यहाँ पे देख लो कितना सुंदर तरीके से दोस्तों तैयारी चल रहा है, बहुत ही सुंदर दोस्तों। आज रात में पूरा दोस्तों ये माहौल बनेगा हिंगोली के अंदर, ठीक है। बड़े बड़े गणपति दोस्तों, जितने भी बड़े गणपति हैं, सामने आपको दिख रहा होगा उस साइड में, उसका ये तैयार है। गणपति निकलेगा दोस्तों यहाँ से, इनका विसर्जन नाइट में होगा। देख लो तो ये है शेतकरी गणेश मंडल दोस्तों, और ये बाहर जो तैयारी चल रहा है ना वो उसी का चल रहा है, ठीक है। बाहर में आप लोगों ने देखा होगा, देख लो यहाँ से लाइट ये वाला, और उस साइड में है एक और गणेश मंडल दोस्तों, उसका है ना, देख लो कितना सुंदर। बहुत ज़्यादा दोस्तों रात में बहुत ज़्यादा धमकाना होगा, बहुत ज़्यादा माहौल होगा रात में। अभी नहीं दोस्तों उतना, बट रात में होगा, है ना। मेरे पीछे है इसका वहाँ से, और इस साइड में देख लो, ये है दोस्तों हिंगोली का बंजारी युवक मित्र मंडल दोस्तों, और ये उन्हीं का गणपति है। देख लो किस तरह से माहौल होगा यहाँ पे दोस्तों। हमारे आमदार साहब सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। बजे के साथ में दोस्तों पूरा बैंड बजे के साथ गाइज, आप लोगों को मैंने बहुत कम दिखाया हूँ, बट टेंशन मत लो, अभी मैं जा रहा हूँ कड़मनुरी। यहाँ पे दोस्तों विसर्जन को बहुत टाइम है हिंगोली के अंदर, और वो विसर्जन होगा दोस्तों जलाशय जलेश्वर, जो महादेव का मैंने जो आपको प्लेस दिखाया हूँ वहाँ पे ही होगा। जितने भी बड़े गणपति आपको दिखाए हैं वो सभी गणपति दोस्तों वहाँ पर ही होंगे, बट वो रात में बहुत लेट हो जाएगा, तो लेट तक मैं नहीं रुक सकता। अभी जा रहे हैं कड़मनुरी अपने गाँव, तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा वहाँ का जो भी माहौल बना है, कुछ अलग माहौल बना है दोस्तों। भाई ने बुलाया है, जा रहे हैं तो वो दिखाएंगे आपको। चलो दोस्तों, सो गाइज फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। अभी आपने देखा पूरा हिंगोली का आपका मैंने गणपति विसर्जन दिखाया, और दोस्तों कड़मनुरी का कुछ नहीं पार दिखा पाया दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, और डीजे बज रहा है उसमें कुछ झलकियां मैं आपके लिए डाल दूंगा, जो कि शॉर्ट्स में बनाई है दोस्तों, मैं आपको डाल दूँगा वो, ठीक है। तो आप लोग देख लेना और कैसा था माहौल बताना। और हिंगोली का तो दोस्तों बहुत मज़ा आया, आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा।
जो कि गणपति विसर्जन वगैरह सारा चीज़, और हमारे बांगर साहब वहाँ पे उनका डांस वगैरह, ठीक है, और भी दोस्तों जो कि घोड़ों का वगैरह जो आपने देखा दोस्तों, वो घोड़ों नाइट में दोस्तों नाचेंगे अभी, बट बहुत ज़्यादा दोस्तों रात होती थी तो इसलिए मैं रात भर नहीं ठहर सकता था उतना देर तक। सो बारिश का भी मौसम है, बारिश आ सकती है, तो इसीलिए दोस्तों मैं वो नहीं दिखा पाया आपको, बट उम्मीद करूँगा जो भी दिखाया वो आपको अच्छा लगा होगा, आप पसंद किए होंगे। दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों अगर पहली बार वीडियो को आपने देखा होगा तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों साथ दीजिए इस चैनल को, छोटा है बट बहुत जल्द बड़ा होने जा रहा है। और दूसरी बात, और भी बहुत सारे दोस्तों पूरा महाराष्ट्र आएगा, खाली हिंगोली नहीं दोस्तों, पूरा महाराष्ट्र पूरा इंडिया दोस्तों इसी चैनल के ऊपर ब्लॉग आएंगे, तो लास्ट तक दोस्तों साथ दीजिए भाई को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।